बीते कुछ सालों में हमें फेमस यूट्यूबर्स वेब सीरीज या फिर मूवीज में एक्टिंग करते नजर आए हैं। भुवन बाम, हर्ष बेनीवाल, जाकिर खान कुछ ऐसे फेमस यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कॉमेडी के साथ साथ एक्टिंग में भी लोगों का दिल जीता है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 10 इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में जिन्होंने मूवीज या फिर वेब सीरीज में एक्टिंग की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप ठंड रखो, बर्फ चबा लूं। नंबर 10, मल्लिका दुआ। मल्लिका दुआ एक कॉमेडियन, एक्ट्रेस और राइटर हैं। इनकी कॉमेडी की क्लिप आपने किसी न किसी वायरल मीम में तो देखी होगी। यह 2017 में रिलीज हुई मूवी हिंदी मीडियम में एक सीन में नजर आई थी, जहां पर वो एक साड़ी की शॉप पर जाती हैं, जहां पर इरफान खान का करेक्टर उन्हें साड़ी दिखाता है। दो तीन और दिखाइए ना डिजाइन प्लीज। हाँ, और दो तीन आपने देख लिया ना, दो तीन बार शादी का बन हो जाएगा आपका। नंबर 9, कूसा कपिला। कूसा कपिला एक फेमस यूट्यूबर हैं जो कि अपनी कॉमेडी वीडियोस के लिए जानी जाती हैं। ये हमें अमेजोन टीवी पर रिलीज हुए कोर्ट रूम बेस्ड स्केच कॉमेडी शो में नजर आई थी। साथ ही ये हमें कॉमिकस्तान जैसे स्टैंड अप कॉमेडी शो में एज अ होस्ट दिखी थी। इसमें हंसी आ रही है तुम सबको। वाओ, ग्रेट, ग्रेट। नंबर 8, प्रजक्ता कोहली। प्रजक्ता कोहली एक फेमस यूट्यूबर हैं जो कि कॉमेडी वीडियोस बनाती हैं। इनकी वीडियोस मोस्टली डेली लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड होती है। इन्होंने 2022 में रिलीज हुई मूवी जुग जुग जियो से अपना फिल्म डेब्यू किया था। एकदम करेक्ट बंदे से शादी कर रही थी, जबकि प्यार तो मैं किसी और से करती हूँ। ये हमें ख्याली पुलाव नाम की शॉर्ट फिल्म और नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज मिस्ट मैच में भी नजर आई थी। शादी के जोड़े की फोटो ले ले, तेरे को शादी करना पसंद है ना? पसंद है का क्या मतलब है, कोई हॉबी थोड़ा ना मेरी। नंबर 7, अमित बढ़ाना। अमित बढ़ाना यूट्यूब पर एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं जो कि कॉमेडी वीडियोस बनाने के लिए फेमस हैं, बट पास्ट फ्यू ईयर्स से इन्होंने सीरियस टाइप की सीरीज बनानी स्टार्ट कर दी है। ये हमें उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुई मूवीज में एक्टिंग करते हुए भी नजर आए थे। इन्होंने पगल, चिड़ियाघर जैसी मूवीज में एक्टिंग करते हुए दिखे थे। जी कोई शायरी सुना दो भाई। जी जावेद जाफरी है क्या? अख्तर, जावेद अख्तर है वो। नंबर 6, जाकिर खान। जाकिर खान एक पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये साथ ही अपनी शायरी के लिए भी जाने जाते हैं। ये हमें चाचा विधायक है हमारे जैसे सीरीज में एक्टिंग करते हुए दिखे थे। ये हमें अमेजोन टीवी पर रिलीज हुई सीरीज फर्जी मुशायरा, फर्जी मुशायरे में आपका स्वागत है। ठीक है, अच्छे शेर मत पढ़ देना, निकाल देंगे। और कॉमिकस्तान जैसे फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन शो में एज अ जज देखने को मिले थे। जाकिर बोलते वो हक से सिंगल है, हक से सिंगल, एक्चुअली वो हद से ज्यादा सिंगल है। नंबर 5, आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी फेमस यूट्यूबर हैं जो कि कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। इनकी वीडियोस या क्लिप को आपने मीम में देखा ही होगा। मुझे पता है लोग मुझे गाली देने वाले हैं, गंदे गंदे कमेंट्स आने वाले हैं नीचे। मैंने वीडियो डाला नहीं और कमेंट ऑलरेडी आना चालू हो गए। ये हमें 2017 में रिलीज हुई सीरीज क्लास ऑफ 2017 में एक्टिंग करते दिखे थे। क्या है उस गुड्डे में जो मुझ में नहीं है, टेल मी अबाउट। नंबर 4, हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल एक फेमस यूट्यूबर, एक्टर और कॉमेडियन है। इनका फेमस मीम, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, कट कर देना प्लीज, तो आपने देखा ही होगा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से इन्होंने मूवीज में डेब्यू किया था। अबे ओ ओवर रिएक्टर, लंडौर से लंदन नहीं गई, मसूरी से देहरादून वाले कॉलेज में गई है। और साथ ही ये 2022 में एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई सीरीज कैंपस डायरीज में एक्टिंग करते नजर आए थे। एक्शन क्लोज होने वाला, तू जीतता मैं जीतता एक के बाद है, हम तो भाई हैं। अरे यार हम तो भाई जैसे हैं ना, वो तो हमारी बहन जैसी नहीं है। नंबर 3, तन्मय भट्ट। तन्मय भट्ट एक जाने माने यूट्यूबर हैं। इनके रिएक्शन वीडियोस और मीम रिव्यू वीडियोस यूट्यूब पर काफी फेमस हैं। ये हमें मिस्टर एक्स और रागनी मेमस जैसे मूवीज में कैमियो करते नजर आए थे। ये क्या हो रहा है भाई को? वो रेडिएशन का इफेक्ट है, कुछ भी रिएक्शन हो सकता है। नंबर 2, कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी एक फेमस यूट्यूबर है जो कि अपने रोस्टिंग वीडियोस और गेम प्ले वीडियोस के लिए फेमस है। इनके रैप सॉन्ग्स पर भी यूट्यूब पर काफी ज्यादा व्यूज हैं। इनके फेमस सॉन्ग यलगार, जिसके यूट्यूब पर करंटली 32 करोड़ व्यूज हैं, इसे द बिग बुल सीरीज में एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया था। इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। ये मैं 2022 में रिलीज हुई मूवी रनवे 34 में नजर आए थे। 2021 में रिलीज हुई सीरीज मी बॉस एंड लॉकडाउन में भी नजर आए थे। उम्र के साथ ताज की चली जाती है, हरामजाद की नहीं। कोलेस्ट्रॉल से पहले अपनी हरकतों पे कंट्रोल रखो, बूमर हो रहा है। नंबर 1, भुवन बाम। भुवन बाम एक फेमस कॉमेडियन, राइटर, सिंगर, सॉन्ग राइटर हैं।
ये अपने फनी कॉमेडी वीडियोस के लिए जाने जाते हैं। चोरी करने आए पैसे की, आधे आधे करेगा। इन्होंने 2018 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस में एक्टिंग की है, जिसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इन्होंने 2021 में आई ढिंडोरा सीरीज में भी दिखे थे, जिनकी लोगों ने खूब तारीफ की थी। जिस दिन मैं बड़ा सिंगर बन गया ना, सिर्फ ऑमलेट खाऊंगा। अरे मनोज तिवारी है क्या? ये रिसेंटली हॉटस्टार पर आई सीरीज ताजा खबर में भी एक्टिंग करते दिखे हैं, जिसकी लोगों ने काफी तारीफें की हैं। जादू और चमत्कार में फर्क ये है कि जादू धोखे से होता है, चमत्कार यकीन से। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद आई थी। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे किसी ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।